हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। हमारा इस सेशन, ये प्रोग्राम जो कि 8:55 से 9:55 के लिए शेड्यूल है, और बाकी हम देखते हैं आज की इस जर्नी में हम कहां तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज आपने एक शानदार ओपीपी देखी। टियांस क्या है, टियांस कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ लोगों की लाइफ को बदल रहा है, ये आपने देखा। टियांस का बैकग्राउंड देखा, सॉलिड कंपनी, पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल ब्रांड। टियांस के प्रोडक्ट के बारे में आपने ब्रीफ आइडिया लिया, टियांस के वो प्रोडक्ट जो हर घर में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हजारों साल पुराने साइंस से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो हर घर में चाहिए। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि फॉर एवर, यू नो, एवर ग्रीन इंडस्ट्री, जब तक दुनिया रहेगी हेल्थ इंडस्ट्री चलती रहेगी। उसके अलावा दोस्तों, आपने फिर देखा मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें बताया गया कि अगर आप ब्रॉन्ज से शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज मतलब लगभग 15,000 रुपये की ज्वाइनिंग, या सिल्वर से, या गोल्ड से, या प्लेटिन से, आपके पास चॉइस है। इस बिजनेस को आज से 20 साल पहले मैंने शुरू किया दोस्तों, और मैंने ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था लगभग 15,000 रुपये से। आज जितने कह सकता हूँ मैं, इस इंडस्ट्री ने पिछले 20 साल में आज हिंदुस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं इस टाइम, अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो टॉप 4 लीडर्स हैं, 4 लीडर्स, उन 4 लीडर्स में शामिल होने का मौका मुझे मिला। इस टाइम इंडिया में जो टॉप रैंकिंग है डायरेक्टर्स, उन में जो 4 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर बनने का मुझे इस इंडस्ट्री से मौका मिला। आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि टियांस ने जो नेम और फेम दिया है, जो इज्जत और मान सम्मान दिया है, अकल्पनीय। मैंने सपने में नहीं सोचा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मैंने सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कदम रखे थे, बट दोस्तों इस इंडस्ट्री में आते ही मुझे पता चला कि एक नॉमिनल स्टार्टअप है, क्योंकि ये पता था कि जॉब या फिर बिजनेस, दो में से एक चीज़ करनी है ज़िंदगी में। बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, ना ज्ञान था, ना नॉलेज था, लेकिन नौकरी करना चाहते थे, और नौकरी एक साल की, और एक ही साल में पता लग गया था कि नौकरी से तो ज़िंदगी बस कटेगी। बट ऐसे टाइम में मुझे ज़िंदगी में यह मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, ये इंडस्ट्री मिली, और इस इंडस्ट्री में ये हुआ कि सिर्फ 15,000 रुपये से बिज़नेस शुरू किया था ब्रॉन्ज कार्ड से। और अगर मैं बात करूँ, आज भी अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं और आप किसी को ब्रॉन्ज से शुरू कराते हैं तो लगभग 750 रुपये आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने ब्रॉन्ज हैं और आपने किसी को ब्रॉन्ज किया, सिर्फ 750 रुपया। बट यकीन कीजिएगा दोस्तों, हजारों मील की यात्रा कदम कहते ना, पहले कदम से शुरू होती है। एकदम आपको लाखों रुपए नहीं आते हैं, एकदम आपको करोड़ों रुपए नहीं आते ज़िंदगी में, लेकिन जो पहला बोनस 750 रुपये का ब्रॉन्ज ने ब्रॉन्ज किया, अगर आप ब्रॉन्ज होते हैं इस बिजनेस में, बताया अगर आप दूसरा ब्रॉन्ज करते हैं तो 750 नहीं मिलते हैं, 1,350 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला, मैं ब्रॉन्ज था और मैंने पहला ब्रॉन्ज किया 750, तो दूसरा ब्रॉन्ज करते कितने मिलेंगे, 1,350। तो एक झटके में ही मन करता है, दिमाग करता है, एक तो ब्रॉन्ज कर दिया, अब दूसरा भी फटाफट करना है, क्योंकि पहले ब्रॉन्ज में 750 मिले, अगले ब्रॉन्ज में मिलेंगे 1,350। ऐसे ही पता चला दोस्तों, अगर मैं एक गोल्ड करता हूँ, चाहे मैं ब्रॉन्ज हूँ, तो मुझे 3,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर मैंने दूसरा गोल्ड कर दिया, चाहे मैं ब्रॉन्ज हूँ, तो सामने वाले दूसरे गोल्ड से मुझे 5,400 रुपये, पहले गोल्ड से 3,000 और दूसरे गोल्ड से 5,500 के आसपास। तो भागने का मन करता है कि दूसरा गोल्ड फटाफट करना है, जैसे 2 गोल्ड किए, चाहे आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं, लेकिन अगर नीचे 2 गोल्ड आ गए, 8,400 रुपये का बोनस। तो जो डायरेक्ट बोनस था ज़बरदस्त था, और पता चला ब्रॉन्ज की तो ये स्थिति है, सिल्वर में और ज़्यादा, गोल्ड में और ज़्यादा, लेकिन अगर आप प्लेटिनम बन जाओ ना, मौजा ही मौजा,
जिंदगी में एक बारी प्लेटिनम बनना है, और जिंदगी में एक बार आप प्लेटिनम बन गए, बहुत वही काम करोगे लेकिन फायदा बहुत मिलेगा। कैसे? आप प्लेटिनम हैं लेकिन किसी को आपने ब्रॉन्ज से शुरू कराया, क्योंकि मैंने भी ब्रॉन्ज से किया, हमने लोगों को भी ब्रॉन्ज से कराया, लेकिन पता लगा कि ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर और फिर गोल्ड बनना है जिंदगी में, और फिर लास्ट में प्लेटिनम। जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बन गए, आपने किसी ब्रॉन्ज को जोड़ा अपने साथ, एक ब्रॉन्ज 1,500 रुपये मिलेंगे, 1,500 रुपये। बट जैसे ही पता चला कि अगर आपने दूसरा ब्रॉन्ज कर दिया तो 1,500 नहीं 2,325 रुपये, 2,325 रुपये मिलेंगे। वाह! तो यकीन कीजिए, अगर आप प्लेटिनम हैं, पहली ज्वाइनिंग में आपको 1,500 तो दूसरी ज्वाइनिंग में 2,325, मतलब 3,825 रुपये, दो ब्रॉन्ज किए लगभग 4,000 रुपये जेब में आते हैं। बट सेम कहानी है अगर आप प्लेटिनम हैं और पहला गोल्ड किया 6,000 रुपये। आप प्लेटिनम हैं, आपने एक दोस्त को या किसी को भी प्रोस्पेक्ट को आपने गोल्ड से शुरू कराया 6,000, बट जैसे ही आपने दूसरा गोल्ड किया 9,300 रुपये, टोटल 15,300 रुपये। तो दोस्तों, हर हफ्ते आप अगर ये काम करते हो ना, तो बहुत शानदार डायरेक्ट इनकम आप खुद अपनी मेहनत से कमा सकते हो। इसके बाद आपकी जब टीम करती है ना काम अनलिमिटेड लेवल तक, जो भी लोग जुड़ रहे हैं आपकी टीम में, डेफ्ट में काम हो रहा है, आपको हर एंट्री पे पैसा आ रहा है। सोचिए आप, लेफ्ट में, राइट में, जहां पर भी मैचिंग हो रही है, कुछ नीचे ज्वाइनिंग आ रही है लेफ्ट में, कहीं राइट में आ रही है, इसको बोलते हैं डेफ्ट में। आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, है वह है सिस्टम इन टीम डेप्थ कैसे ले जाएं। अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड लेवल से आपकी डाउन की डेप्थ एंड डेप्थ एंड डेप्थ, लेफ्ट में कहीं पर भी एंट्री आ रही है, राइट में कहीं भी एंट्री आ रही है, और आपका बोनस बन रहा है, क्या आपको पता है अगर आप इस टाइम प्लेटिनम हैं, आपके सपोज करते हैं आप प्लेटिनम हैं, आपके लेफ्ट में और राइट में जैसी एक गोल्ड की एंट्री आती है, आपको जो है लगभग लगभग 3,300 रुपये। सोचिए आप, आपकी मैचिंग हो रही है, हर गोल्ड पर आपको मिलता है $44 इंटू 75, 3,300 रुपये बनते हैं। लेफ्ट में कहीं पर भी गोल्ड आ गया आपकी टीम में, राइट में कहीं पर भी गोल्ड आ जाएगा, आपका 3,500 रुपये बन गए अनलिमिटेड लेवल तक। आपको पता ही नहीं है कहाँ कौन किसको अपने साथ कनेक्ट कर रहा है डेफ्थ में जाके। तो मुझे पता लगा दोस्तों कि अगर हम डेफ्थ में काम करें, टीम में काम करें, एक समय तक टीम को कैरी करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, डेफ्थ में जाना पड़ेगा। एक बार डेफ्थ मजबूत हो गई, जड़ें मजबूत हो गई अगर आपकी, तो वृक्ष में जो फल है ना अनलिमिटेड लगेंगे। किसी भी वृक्ष में उस वृक्ष की मजबूती और उस वृक्ष में फल लगने की संभावनाएं तब ज्यादा होती है जब उस वृक्ष की जो जड़ें हैं ना मजबूत होती है। हमारे बिजनेस की ब्यूटी यही है। इस बिजनेस में भी अगर आप चाहते हो कि आपकी जड़ें मजबूत हो, तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में अपनी डेप्थ में काम करना जरूरी है। और एक खास बात यह दोस्तों, कुछ लोगों के साथ आप कहीं भी कर सकते हैं काम, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, क्योंकि बड़ी टीम से बड़ा बोनस बनता है, बड़ी टीम से बड़ा वॉल्यूम बनता है, बड़ी टीम से बड़े बड़े इनकम अर्निंग्स और बोनस और लेवल्स अचीव होते हैं। तो जब बड़ा करना है, बड़ी टीम डेवलप करनी है, वो आपके अकेले के बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। अकेला इंसान कुछ लोगों के साथ काम कर सकता है, वो सैकड़ों या हजारों लोगों के साथ काम नहीं कर सकता है। इसीलिए इस दुनिया में लोगों ने, टेक्नोलॉजी ने सिस्टम बनाए, सिस्टम, हर चीज को कंट्रोल करने का सिस्टम। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरी दुनिया में धंधा हो रहा है, क्या लगता है आपको कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे, कैसे मॉनिटर कर रहे होंगे, कैसे देख रहे होंगे, जब वो फिजिकली वहां पे है ही नहीं। आज क्लाइंट्स पूरी दुनिया में काम करती है। हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर ली जिनयोन, वो कैसे इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं सिस्टम की वजह से। सिस्टम, आज का डिजिटल सिस्टम,
सेम चीज है, कोई भी काम है अगर उसको सिस्टम में डाल दिया गया तो सिस्टम की वजह से आपके कंसर्न कम हो जाते हैं, टेंशन कम हो जाती है, आपकी एनर्जी कम लगती है, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस की ब्यूटी यह है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको मैं बोलता हूं लाइफ चेंजिंग बिजनेस, लोगों की जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है ये। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि जब तक हम लोगों का मदद नहीं करते हैं, लोगों को हम एजुकेट नहीं करते हैं, जब तक हम ट्रेंड नहीं करते हैं, जब तक उनको मोटिवेट नहीं करते हैं, इंस्पायर नहीं करते हैं, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। इस बिजनेस की यूएसपी है, इस बिजनेस की कोर है, कोर कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते हो आपकी टीम बड़ी बने तो आपको अपनी टीम को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे और एजुकेटेड होंगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगी, और जितनी ज्यादा डुप्लीकेशन होगी आपकी बिजनेस की ग्रोथ उतनी फास्ट होगी और उतनी बड़ी होगी। और दोस्तों इस बिजनेस की ब्यूटी, इस बिजनेस की खासियत है, इस बिजनेस में जब हम आते हैं यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता आपकी, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, दैट्स इट। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है इस बिजनेस को आप कर सकते हो, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती आपकी, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है अगर चाहे तो। इस बिजनेस में जो भगवान ने दी हुई हमारे लिए क्वालिटीज हैं, गॉड गिफ्ट है, हम कुछ सपने देखते हैं जिंदगी में, उनको पाना चाहते हैं। सपने देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, देखने के लिए कोई पैसा नहीं है, पूरा करने के लिए जरूर प्राइस पे करनी पड़ती है आपकी मेहनत के रूप में। और सपना देखने के लिए जो चाहिए चीज वो है हौसला। आपके पास जो हौसला है ना उसकी भी कोई कीमत नहीं है। बड़े बड़े निडर लोग, बहादुर लोग भी कहते हैं ना, डरते तो वो भी हैं लेकिन वो डर के आगे, डर के ऊपर जीत करते हैं। आपको जीतना होता अपने डर को। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो डरता नहीं है, लेकिन वो निडर इसलिए है क्योंकि उसने डर के ऊपर काबू पाया है, बोलता है देखा जाएगा, क्योंकि उसने डर से लड़ने का फैसला किया है, डर से वो घबराया नहीं है, भागा नहीं है। तो हमारे अंदर हिम्मत नाम की एक चीज है, ये हिम्मत भी हमें फ्री में मिली है, सपने देखने की हिम्मत। सपने देखिए, उसकी हिम्मत कीजिए और फिर उसको पूरा करने की हिम्मत कीजिए। आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, विश्वास करने की ताकत, अगर आपने एक बार बिलीव कर लिया दिल से मन से कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपने वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया अपने आप से कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा टियान से, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक सिस्टम को यूज करूंगा जिसका नाम है आईडीनेट सिस्टम, दोस्तों यकीन करना एक ऐसा रास्ता आपके लिए तैयार बैठा है जिसपे आपको सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है और सिर्फ चलना है। आप चलिए, दौड़िए, जो भी कीजिए बट कीजिए। इस बिजनेस की पावर है, भगवान ने दी हुई शक्तियां यहां हमें यूज करनी है, क्योंकि दो ही रास्ते हमारे पास में, या तो हम जॉब करते या हम बिजनेस करते हैं। जॉब जस्ट ओबे द बॉस, सिर्फ नौकरी का मतलब होता है बॉस को, सिर्फ जो बॉस बोलेगा उसको फॉलो करना है। जॉब आपको सिर्फ जिंदा रहने लायक आपका दे सकती है, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं बिजनेस के लिए जो कॉम्प्लिकेशन सोचते हैं ना, वो आज तक हो सकता है कभी रही हो, आपके बात सही भी हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, समय के साथ हर चीज बदल रही है, ऐसे ही पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, कामयाब होने के तरीके बदल रहे हैं, इसलिए हमको सीरियस होने की जरूरत है। जब हम जॉब करते हैं तो दोस्तों किसी और के सपने पूरे करते हैं, किसी और को उम्मीद बनाते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं ना तो अपना बिजनेस करते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने की क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप चाहे कुछ भी करें जीवन में, उस काम को करने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखते हो ना तो आप बहुत अच्छा करते हो, कोई भी चीज आप सीख के करते हो तो वो काम बहुत अच्छा होता है, और जब आप किसी भी काम को बिना सीखे करते हो तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता है। आप सोचिए, अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप कब जीतते हैं? जब आप खेलते हैं आप कब जीतते हैं? अब जब जीतते हैं
जब अच्छा खेलते हैं, जिस दिन आप अच्छा खेलते हैं उस दिन आप जीतते हैं, जिस दिन आप अच्छा खेलते नहीं हैं उस दिन आप हार जाते हैं। मतलब आपको जीतने के लिए अच्छा खेलना ही खेलना है, कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छा खेल खेलें और गेम को जीतें। ऐसे ही जिंदगी में कामयाब होना है उसकी तैयारी करनी जरूरी है। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं इसका मतलब हमें तैयारी करनी लाजमी है, जरूरी है। जो लोग तैयारी करते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। ऐसे ही इस बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों, हर काम को करने की तैयारी होती है, हर काम में कामयाब होने की तैयारी होती है। ऐसे इस बिजनेस में भी है, आपको अपनी तैयारी करनी है कि इस बिजनेस में आप चाहते हो कैसे कामयाब होना है। तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस की ताकत को समझना है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपने देखा होगा वहां पर भी हर साल आपकी इंक्रीमेंट होती है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन होने के चांसेस हैं और होती भी है बहुतों की। कितना? हर महीने, हर साल 10% 20% नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की इंक्रीमेंट 10% की होती है। हर साल 10% की इंक्रीमेंट है। सोचिए आप क्या ग्रोथ करेंगे आप, क्योंकि एक नॉर्मल ग्रोथ है वो। ऐसी ग्रोथ है जो आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकती समय के साथ। बट बिजनेस में क्या होता है, खासतौर से अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। यहाँ मल्टीप्लाई होता है। 10 लोगों को हमने बताया, उन 10 लोगों ने आगे 10 को बताया, 100 लोग उन्होंने 10 को बताया तो 1000 लोग, और उन्होंने 10 को बता दिया तो 10000 लोग। पता ही नहीं चला इतने लोग आगे, इतने लोगों ने बता दिया और इतने लोगों ने काम कर लिया, कितना बड़ा बिजनेस हो गया उसके हिसाब से, वॉल्यूम और बिजनेस और बोनस। तो दोस्तों, जैसे किसी भी काम को करने के लिए उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग कहाँ से लें? अगर आप पढ़ाई लिखाई करें, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, वकील बनना चाहें, तो उसके लिए स्कूल है, कॉलेज है, राइट? बट इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे सीखने के लिए, और कौन सिखाएगा, और जो कोई सिखाएगा तो उसके चार्जेस क्या होंगे, फीस क्या होगी, आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं 10-20-50 हज़ार रुपये लगाकर, दोस्तों उनको लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बस अब इसके बाद हम 1 रुपये खर्च नहीं करेंगे। हमने कोई 1 रुपये खर्च न करना आपके लिए लगता होगा गुनाह। मैंने देखा है अक्सर, मैंने कहा ना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जब इंसान कामयाब लोगों की नहीं सुनता है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता है। कामयाब होने का एक ही तरीका है, पहले ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कामयाब है, और फिर वो जो बता रहे हैं उसको करिए, आप कामयाब हो जाएंगे, उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको कामयाब लोगों की बातें नहीं समझ आती है और फिर भी आप अपने हिसाब से करेंगे तो वही होगा जो आज तक होता आया है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी खूबी होती है, उस इंडस्ट्री की अपनी खासियत होती है, उस इंडस्ट्री के सिस्टम को, उस इंडस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। हर खेल के नियम होते हैं दोस्तों, हर खेल के नियम होते हैं। क्या आप जिस खेल में हैं उस खेल के नियम जानते हैं? बहुत जरूरी है। अगर आप उस खेल के नियम नहीं जाने और गलती से भी उस गेम में आ जाएं, आपको आउट कर दिया जाता है। नॉर्मल गेम में तो ऐसे ही होता है, आप किसी भी खेल को खेलिए, अगर आपने कोई भी गलत तरीके से खेलने की कोशिश की, उस खेल का रेफरी आपको आउट कर देगा। हो सकता है बैन लगा दे, आप जिंदगी भर लाइफ टाइम बैन, आप दोबारा खेल ही नहीं सकते उस खेल को, क्योंकि आपने उस खेल के नियम को तोड़ दिया, उस खेल को खेलने की भावना ही नहीं थी आपके पास, क्योंकि स्प्रिट होती है खेल की। जब हम खेलते हैं तो एक स्प्रिट होती है, हमें ईमानदारी से, नैतिकता के साथ, एथिक्स के साथ गेम को जीतना है। जो रूल रेगुलेशन तय किए गए हैं उनको फॉलो करते हुए खेल को खेलना है और जीतना है। सेम इस बिजनेस की ब्यूटी है, इस बिजनेस में आपको एथिकल होना बहुत जरूरी है। एथिक्स को लेते हुए, हर तरीके के एथिक्स, सारी बातें मैं यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम कहता है, सिस्टम में सारी बातें बताई जाती हैं। सिस्टम कहता है आपको ये करना है और ये नहीं करना है, उन रूल रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करके चलते हैं वो कौन बताएगा? वो सिस्टम में जब लोग आते हैं उनको पता होता है इस खेल के क्या नियम है, इस बिजनेस के क्या, इस बिजनेस को करना है तो क्या क्या करना जरूरी है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने यहां से लर्न कर लिया वो कौन सिखाएगा? सिस्टम। यहां पर मैं बात करता हूं दोस्तों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पता नहीं लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद भी 5-10 साल पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका लाइफ क्या होगा, कैसा होगा, कितनी ग्रोथ ले पाओगे आप जीवन में। बट यहाँ पर चांसेस, यहाँ हमारे पास में अनगिनत रिजल्ट्स हैं,
अनगिनत सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ नहीं थे, आज बहुत सक्सेसफुल हैं, जबरदस्त हैं, रोल मॉडल है वो दुनिया के लिए। तो मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर आपको कभी मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई गेट टुगेदर है, तो दो चीजें होती है, एक टाइम लगाना होता है किसी भी सिस्टम में लर्न करने के लिए, और टाइम के साथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। अगर मैं जूम मीटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री है, बट आपके लिए फ्री है। अगर मैं हर रोज यहाँ पैनल में आता हूँ और पैनल में अगर एक घंटा बोलता हूँ, डेढ़ घंटा बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, इस पैनल की कॉस्ट है एवरी ईयर लगभग लगभग 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, 2 लाख रुपए का ये पैनल है, एवरी ईयर वी हैव टू पे इट, बट आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, राइट। बट कहीं पर अगर हम सेमिनार कर रहे हैं, BBS कर रहे हैं, गेट टूगेदर कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है चार्जेस 200 रुपया, 500 रुपया या 1000 रुपीज। वो पर्टिकुलरली लिए जा रहे हैं उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के, वो प्रोग्राम आपका भी है, क्योंकि उस प्रोग्राम के माध्यम से आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आपके भी कामयाब होने के चांसेस हैं, तो आपको उस सिस्टम के उस प्रोग्राम को कामयाब करना आपका धर्म है। मैंने कहा अगर आप गेम के नियम को समझ गए, ये सिस्टम आपका है, आईडीनेट सिस्टम आपका है, ये जूम पैनल आपका है, अगर आपको ये फीलिंग नहीं आया कि शाम को मुझे खुद भी आना है, अपनी टीम को भी लेके आना है, तो इस गेम में आप जीत नहीं सकते हैं। आप इस गेम में कामयाब करने के लिए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपने आप से पूछिए ईमानदारी से, क्योंकि जो चीज आप चाहते हो ना वो पहले देना पड़ेगा, गिव एंड देन टेक। आप दोगे तो लेने के हकदार हो, और बिना दिए किसी को हक नहीं है। जो जितना ज्यादा देगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी ग्रोथ और उसकी वापसी उसी हिसाब से है, जो बोएंगे जितना बोएंगे। जब एक आदमी एक बोरी अनाज लेके खेत में डालता है ना, तो उसको पता होता है जिस वो सपोज को छोटे से ट्रक में वो भरकर जब वो एक अनाज की बोरी लेके आता है ना, तो उसको ये पता होता है कि ले तो मैं आप छोटे से ट्रक में जा रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको फसल में बोऊंगा ना, तो बड़े बड़े ट्रक भरने वाले हैं, इस एक छोटी से ट्रक वाला माल कईयों बड़े ट्रक को भरने वाला है, इतना प्रोडक्शन होने वाला है। व्हाई? बिकॉज उसको बोने के लिए वो तैयार है। जब तक आप बोने के लिए तैयार नहीं, जब तक आप सिस्टम को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, टाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर वन हम सबके पास है, गरीब से गरीब आदमी के पास भी कम से कम टाइम तो है। जो लोग खाली हैं उनके लिए फुल टाइम 9 से 9, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक तो मिनिमम है। अगर हम पैनल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि मिनिमम 10 to 10, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप डेडिकेट कर दीजिए इस बिजनेस के लिए, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है आपकी जिंदगी में। सिस्टम है, इस सिस्टम में जो एजुकेशन दी जा रही है, ट्रेनिंग दे दी जाए, जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, उसको आपको फॉलो करना आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। आपको समझना है, सिस्टम बोल रहा है कि आपको क्या क्या करना है। सिस्टम कह रहा है पहले आइए सीखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं समझेंगे, तब तक आप इसमें ग्रोथ ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर कुछ और है। अभी तक आप कुछ और कर रहे थे जिंदगी में, अभी अचानक आपको ये बिजनेस मिला, अचानक लगा आपको आप रातों रात करोड़पति बनने वाले हैं, लाखोंपति बनने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में, लेकिन बन जाएंगे। कब बनेंगे आप? तब बनेंगे जब इस गेम के रूल एंड रेगुलेशन को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस को समझेंगे, और उसके मुताबिक आप काम करेंगे। डेफ्ट में आपके लोग जितनी भी टीम है, वो लोग सिस्टम को कब फॉलो करेंगे? जब आप फॉलो करेंगे। सिर्फ एक आदमी आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपकी पूरी टीम सिस्टम को फॉलो करती है। आपको यहां जो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसको आपकी टीम फॉलो करती है। मैं कहता हूं दोस्तों, आप जिस शहर में रहते हैं, ये जूम मीटिंग तो डेली है, एवरी डे, राइट, पिछले 3 साल से मोर देन 1000 डेज हो चुके हैं। इस साल हम 4th साल कंप्लीट करेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये जूम तो डेली के लिए, उन लोगों के लिए है जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, राइट। जिसका कोई नहीं है उसके लिए तो ये जूम है ही है। जो बोलता है कि भाई साहब मेरा ना अपलाइन और मैं दूर दूर है, वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते हैं, ऐसे लीडर्स के लिए ये बहुत जबरदस्त पैनल बनाया गया है। बट जो लोग जिस शहर में रहते हैं, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि आपको एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम का नाम इसलिए दिया जाता है क्या, ताकि एक वॉइस बने सबकी, वन वॉइस, वन सबमिशन, वन यूनिटी, एक मैसेज जाता है। आप अपने आप को कितना ही प्रमोट कर लो, कोई नहीं पूछेगा एक टाइम बाद, लेकिन जब आप जहां पर टीम होती है ना, टीम ऑफ पीपल, टीम ऑफ लीडर्स, वहां चमत्कार होते हैं, यूनाइटेड फोर्स होती है। इसलिए दोस्तों सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि सिस्टम में कईयों अलग अलग रीजन के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग बैकग्राउंड के लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है। जब उनका एक सबमिशन मिलता है, जब एक यूनिटी मिलती है,
एक माहौल एक वॉइस मिलता है तो चमत्कार होता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस पैनल को छोड़ के जो हम बीबीएस करते हैं, गेट टूगेदर करते हैं, वो प्लस है, वो बोनस है आपके लिए। लेकिन बीइंग अ लीडर, जिस शहर में आप रहते हो, नोट डाउन कर लीजिए, आपको हर रोज काम करते हैं हम लोग फील्ड में जाकर। फील्ड में जाकर काम करना लाजमी है। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का, 9 बजे तक का, वैसे 9 to 9, 9 से 10 में तो आपका जूम वेबिनार चलेगा। सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक का आपका काम करना है फुल टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो डेली शाम को आप घर से 6, 6:30, 7 बजे घर पहुंचते हैं, आपने डेली ठान लीजिए मुझे एक मीटिंग करनी। अगर आप एक मीटिंग करते हो, आपके साथ एक आदमी जुड़ता है, दोनों आदमी एक एक मीटिंग करते हो, सोचिए आप हर रोज। अगर आपने ये काम किया, हर रोज आप एक एक आदमी से मिलते हो, 25 दिन में 25 आदमी, और उनमें से अगर 2-4 लोग जुड़ गए, उन्होंने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिया, और सबके मान लो 4 आदमी ने 25 लोगों से मिले अगले महीने, कितने हो गए? 100 लोग एक महीने में। अब उसमें से अगर 10 लोग जुड़ जाते हैं, और 10 लोग क्या करते हैं, 25 लोगों को मिलते हैं पूरे महीने में, 250 लोग मिलते हैं एक महीने में। मान लो आपकी टीम में 50 लोग जुड़ गए, और वो 50 लोग पूरे महीने में एक आदमी को एक दिन 25 दिन काम करते हैं, 50 × 25 वो कितना होगा, 750 लोग एक दिन मीटिंग कर रहे होंगे एक महीने में, पता ही नहीं चलता है। जो पार्ट टाइम लोग आए हैं, जो अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, एकदम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए रामबाण एक ऐसा बिजनेस जो आपके पार्ट टाइम की इनकम को कईयों, फुल टाइम की इनकम जो कईयों सालों से आप कर रहे हो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी। सिर्फ 1-2 साल अगर आपने हमारे सिस्टम को फॉलो कर लिया, चाहे पार्ट टाइम काम करें, बहुत जल्दी आप रिजाइन करने वाले हैं अपनी जॉब को, या अपने काम को बंद करने वाले हैं जिसमें लाइबिलिटी है, रिस्क है, टेंशन है, बट मजबूरी में कर रहे हो आप। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना, एक मीटिंग कमिटमेंट अपने आप से कर लो जिंदगी में, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल तक इस काम को करिए, और आपकी टीम में हर आदमी अगर ये करेगा, जब आप बताएंगे ना मैं करता हूँ, एक मीटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, गप्पे मारने से, इधर उधर की हाँकने से, आप देखिए, पूछिए ना अपने आप से कि आज आप अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, मम्मी पापा के लिए, फैमिली के लिए क्या कर पा रहे हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, क्या ये लाइफस्टाइल है जो आप जी रहे हैं? अपने आप से पूछिए, कड़वे क्वेश्चन पूछना जरूरी है। इंसान तभी जागता है जब वो अपने आप से कड़वे बातें पूछता है, कड़वे क्वेश्चन करता है, क्या इसीलिए, क्या यही है बस, कुछ करना नहीं है जिंदगी में? तो आता नहीं करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आज वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके सामने टियांस है, बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह जितना चाहो उतना बड़ा यहां से आप अपने लिए कितना हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो फुल टाइम कर रहे हैं 9 से 9, आप सोचिए, मिनिमम 4 मीटिंग है, मिनिमम 4, 5, 6 मीटिंग, आप 4 से ज्यादा मीटिंग, मिनिमम 4। अगर आपने हर रोज 4-4 मीटिंग करनी शुरू कर दी, महीने में 100 मीटिंग आपकी होती है। अगर आपकी टीम में 10 लोग ये करना शुरू कर दें, तो 1,000 लोगों की मीटिंग होती है एक महीने, और यही अगर सिलसिला डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया तो कब होगा दोस्तों, जब हम करके दिखाएंगे। तो आप फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, चॉइस आपकी है, बट क्या करना है वो बहुत जरूरी है। बट उसके अलावा आप जिस शहर में रहते हो, बीइंग जो सीनियर लीडर बन गया है अभी 7-star 8-star, आपको कम से कम, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वीक में एक मीटिंग करनी चाहिए, ग्रुप मीटिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या फिर बिजनेस की ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग क्या है, जो प्रोटोकॉल है, आईडीनेट सिस्टम दे रहा है प्रोटोकॉल, ये करना है ये नहीं करना है, उनकी ट्रेनिंग देनी है। वहां पर वो वन वॉइस आनी चाहिए, एक आवाज, वन सबमिशन एंड वन यूनिटी अगर नजर आता है वो, क्योंकि लोगों की आदतें, लोगों का स्वभाव, लोग कब बदलते हैं, जब वो देखते हैं दुनिया को करते हुए, मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। तो आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एक दिन, आप बिजनेस की ट्रेनिंग, और फिर आपने किसी दिन ओपीपी कर ली, 2 दिन ओपीपी कर ली, ये 4 मीटिंग आप ऐसे कर सकते हो। कम से कम मैं बात करता हूं, आपके इलाके में 1 या 2 महीने के अंदर एक बीबीएस होता है, वो बीबीएस दुनिया की इधर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो बीबीएस मिस नहीं होना चाहिए, ना आपका ना आपकी टीम का। और फिर देखिए, ये जो बीबीएस होते हैं ना, चमत्कार पैदा करते हैं, चमत्कार, इंसान की आंखों में वो चमक आती है कि यस बहुत हो गया, कुछ करके दिखाएंगे जिंदगी में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सिस्टम कह रहा है उसको फॉलो करेंगे, मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हटके नहीं है। और दोस्तों, छोटी छोटी होम मीटिंग करिए, 10 लोगों की होम मीटिंग, जिन जुड़ गए होम मीटिंग करिए, वहां प्रोडक्ट ट्रेनिंग या बिजनेस ट्रेनिंग कर लीजिए, छोटी छोटी 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 15 लोग,
ऐसे छोटे छोटे होम मीटिंग जहां ग्रुप खड़ा हो गया उसी इलाके में होम मीटिंग, वहां पे चाय कॉफी का इंतजाम किया आपने, चाय समोसा कॉफी कुछ भी छोटा मोटा, कोई खाने की पार्टी नहीं। खाने का प्रोग्राम वैसे प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है दोस्तों। कोई होल डे का प्रोग्राम है अलग बात है, अदरवाइज अगर 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का प्रोग्राम है, कभी भी खाने का इंतजाम नहीं करने का, सिर्फ चाय कॉफी स्नैक्स सिंपल, क्योंकि शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि अगली बार किसी और का नंबर आएगा, किसी और के घर में आपको प्रोग्राम करना है तो उस आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा, इतना खाना पीना, इतना खर्चा पानी कौन करेगा भाई, इतना इंतजाम कौन करेगा। इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए सो दैट इट कैन बी डुप्लीकेटेबल। होम मीटिंग कीजिए, होम गेट टूगेदर कीजिए, होम मीटिंग में ट्रेनिंग कीजिए, जरूरी नहीं अपलाइन आएगा होटल बुक कराएगा तभी करेंगे। दोस्तों आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं होगी, आपकी टीम में मोमेंटम नहीं आएगा, जब तक टीम में मोमेंटम नहीं आता है ग्रोथ नहीं आती है। अगर आप चाहते हो ना आपकी टीम में 10-10, 20-20 लोगों का ग्रुप बन रहा है, यकीन करना आपकी टीम में बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो रहे होंगे, बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर मैं आज बात करूं आपसे कि इस काम में आपको जो है सिखाना है, खुद भी सीखना है दूसरे को भी सिखाना है, वो ये है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम थैंक्स टू गॉड, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, थैंक्स टू योर फैमिली जिनके लिए आप कर रहे हैं या जिनकी वजह से आप कर रहे हैं, आपका परिवार भगवान के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का ही है। थैंक्स ऑलवेज टू चेयरमैन सर एंड थैंक्स ऑलवेज टू योर LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स अपलाइंस मेंटर्स गुरु जो भी आपके यहाँ हैं, एंड थैंक्स टू योर टीम। ये थैंक यू वाला जो चैप्टर है दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम याद कर रहे हो आप, अगर इससे ज्यादा भी करो ना, 1-1 घंटे बाद भी करो ना, अगर आप सोने के अलावा अगर आप 18 घंटा जागे हो, 18 घंटे में हर घंटे अगर आप थैंक यू कर रहे हो अपने सीनियर का, अपने गुरु का, अपनी अपलाइन का, अपनी टीम का, चमत्कार होने वाला है आपकी टीम में, चमत्कार होने वाला है आपकी जिंदगी में, आप वो बनने वाले हो जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की है। यकीन कीजिएगा आपका जो बेस्ट वर्जन है ना वो कुछ और है। मैं ऐसा नहीं था, मैं अगर बात करूं 20 साल पहले मैं इसका पॉइंटों में नहीं सोच सकता था मैं क्या बनना चाहता था। मैं पिछले कल भी कहा था मैं मूवी देखता था, फिल्में देखता था, तो मैं जरूर चाहता था कि यार हीरो वाली जिंदगी होनी चाहिए, और आप जानते हैं हीरो वाली जिंदगी कैसी होती है। और आज मैं शुक्र मनाता हूँ भगवान का, शुक्र मनाता हूँ मैं टियांस का, शुक्र मनाता हूँ मैं अपने परिवार का, इन सब की शक्तियों से और आप जैसे लीडर्स की शक्तियों से, मेरे सीनियर से लेकर मेरे जूनियर तक सभी का रोल रहा मेरी कामयाबी में। आई थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। कल शाम को ठीक 8:55 पर प्रोग्राम शुरू होगा और कोशिश यही रहेगी कि हम 9:55 पर आपको अलविदा कहें, थैंक यू कहें। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ कहने के लिए, वो बातें हम करेंगे कल या आने वाले दिनों में। मैं इतने कहूंगा, तहे दिल से शुक्रिया आपने मुझे सुना। एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, बिकॉज यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। मैं इतने कहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सिस्टम एंड आईडिनर सिस्टम, इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ, इसके प्रति रिस्पेक्ट आपका जितना ज्यादा होगा, टियांस का बिजनेस उतना ही शानदार जबरदस्त आपका होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू यू एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।